लोगों के साधुओं संतों से बातचीत हो, और बातचीत इस मकसद की खातिर हो कि आपस में जो फिजा हो वो फिजा अमन व अमान की हो, बिरादराना फिजा हो, उसमें किसी तरफ से भी शिद्दत और रद्दअमल और टेंशन ना हो। और इसी मौजू पर श्री रवि रवि शंकर साहब से बात हुई, लेकिन अभी कॉन्फ्रेंसिंग की शक्ल में हुई कि आमना सामना और दूबदू बैठना नहीं हुआ, लेकिन 8 तारीख को बेंगलोर में हम लोगों का बैठना भी होगा। भारतीय मुस्लिम धर्म गुरु पर ओमान ने बड़ी कार्यवाही की है। उन पर जिहाद का समर्थन करने और लोगों को भड़काने के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। भारत में काफी चर्चित मुस्लिम धर्म गुरु सलमान नदवी पर यह कार्यवाही एक कार्यक्रम के दौरान जब वो लेक्चर दे रहे थे तभी की गई है। इस बाबत मस्कत के राजनयिक सूत्र ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि नदवी पर यह कार्यवाही शरिया साइंस कॉलेज में लेक्चर के दौरान की गई है। इस लेक्चर में उन्होंने कतर पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों पर हमले की बात कही थी। ओमान के मुताबिक नदवी ने देश के सिद्धांतों और नीतियों के खिलाफ लेक्चर दिया है, लिहाजा उन्हें निष्कासित करने का फैसला किया गया है।